प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। मैं ठीक हूँ दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोग भी ठीक होंगे। बाहर देखिए पानी दिख रहा है खिड़की में से, अच्छा मौसम हो गया। नाश्ता और झाड़ू पोछा हो गया मेरा, और बस अब खाना ही बनाना है। रोटी और ये शिमला मिर्च की सब्जी बनाऊंगी। ये शिमला मिर्च है और ये दाने अभी गरम थे, सिके हुए, ये सिके हुए थे, ऐसे तो दिखाना भी नहीं आता, ये ऐसे कर ले। ये गरम हो रहा है तो ये ज़रा ठंडे हो जाए, फिर इनको ले जाके पीसती हूँ। तो दोस्तों, मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, दोस्तों मेरे वीडियो को फुल वॉच करें, और सब्सक्राइब आप ही कर सकते हैं दोस्तों। मेरे वीडियो पे ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है, प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, ठीक है दोस्तों। मैं जाती हूँ, मसाला पीस लेती हूँ और ये सब्जी काटती हूँ। ये दोस्तों मैं दिखाना भूल गई, मैंने क्या करी कि इसमें अच्छा डेढ़ चम्मच तेल ली हूँ, तेल थोड़ा ज़्यादा लगेगा, डेढ़ चम्मच तेल ली हूँ। तो इसमें मैंने गरम मसाले से बघा ली हूँ, गरम मसाला जीरा प्याज से बघा ली हूँ, और अदरक लहसुन का जो पेस्ट था वो भी डाल दी हूँ। तो ये भी लगभग मेरा हो गया है, और अब इसमें मैं ये सूखे मसाले डालूँगी, धनिया मिर्ची और हल्दी नमक, अब ये डाल रही हूँ। मतलब 15 मिनट से मेरा ये अदरक लहसुन का मसाला भुंजा रहा था। मध्य आज में इसको भी भून लूँगी 10-15 मिनट, ये मसाला पूरा, फिर टमाटर डाल दूँगी। ये रही है, ये टमाटर डाल दूँगी 10 मिनट बाद, फिर जब टमाटर थोड़े नरम होने लगेंगे तब ये पिसा हुआ ये मूँगफली का पेस्ट रखा हुआ है। अच्छा, इतनी थी मूँगफली, अच्छी मुट्ठी में आ जाए अच्छी, तो इतना मूँगफली था वो भून के दाने छिलके निकाल के इनको पेस्ट बनानी हूँ, और फिर लास्ट में हम ये शिमला मिर्च डाल देंगे। तो शिमला मिर्च छोटी थी, फिर भी इसके से 4-4 पीस कर ली, बाकी ये बहुत सी है ना, वो ज़्यादा ही छोटी थी, तो इनको इस तरह से काट लिया है, ये दो भाग कर लिए लेंगे। मसाला भूनती हूँ, अब हम मसाला सही देंगे, फिर धीरे धीरे जैसे टमाटर डाल देंगे, मूँगफली का पेस्ट है वो डाल देंगे। सूखे मसाले डाल दी थी, फिर 15 मिनट चला के टमाटर भी डाल दी थी, और फिर ज़रा नरम हुए टमाटर तो मैंने वो मूंगफली का पेस्ट डाल दी थी, फिर इसमें ये शिमला मिर्च भी कटी हुई डाल दी हूँ, और थोड़ी देर चलाऊँगी और एक हल्का सा प्रेशर इसका ढक्कन लगा के दे दूँगी, मतलब ये ना 4-5 मिनट चलाऊँगी, क्योंकि वैसे भी ये तो नाजुक ही है, और एक ढक्कन लगा दूँ, क्योंकि मेरी आदत है सब्जी इसी बनाने की, तो धोखे से अब रोज़मर्रा की आदत है, तो वो नहीं तो कढ़ाई में बनाती सब्जी, अब एकदम से मैंने कुकर रख दिया, तेल डाल दी, फिर मैंने कहा चलो ऐसे ही बना लेते हैं, नहीं देखो कढ़ाई में बनाती, और फिर इसका ढक्कन लगा दूँगी, और थोड़ा सा उसमें गैस बनेगा कुकर में, और मैं गैस बंद कर दूँगी। ये सब्जी बन गई है, और सॉरी दोस्तों, मैंने बोला था कि ये ढक्कन लगा दूंगी, पर इसको ढक्कन लगा के नहीं पकाना है, अरे आज पता नहीं क्या हो रहा है, तो उल्टे उल्टे काम हो रहे हैं। ये वैसे ही हुई तो बहुत नाजुक, पतली पतली छोटी छोटी सी थी, मतलब ये देखिए शिमला मिर्च, ये छोटी सी कितनी प्यारी दिख रही है, और इसी तरह से खड़े भट्टे भी मैं इसी तरह से बनाती हूँ, ये मूँगफली के दाने ऐसे लेके पीस के भून के, और इसके बाद धनिया पत्ती डालूंगी, अभी सब्जी में भी डाल दूंगी,
तो दोस्तों इसमें कुकर में मैंने ढक्कन नहीं लगाई थी, मेरी आदत है ना खाना बनाने की कुकर में, तो उसमें मसाला डाल दी, फिर ध्यान आया मुझे, तो फिर बाद में मैंने ढक्कन नहीं लगाई थी, वैसे खुले में पकाया था, वो 2 मिनट में पक गई थी। तो ये सब्जी बन गई है, तो दोस्तों आप लोग भी आ जाइए। दोस्तों ये शाम का टाइम हो रहा है, चाय हम लोग अभी पिए हैं, ये कपड़ा खाए, और मैं सोच रही हूँ ये सूट सी लूँ, बहुत दिन हो गए, बहुत दिन से काटी भी नहीं हूँ और सी भी नहीं हूँ, और मैं सोच रही इसको निशान लगा लूँ। तो अभी ये शाम भी हो रही है और मैं इस काटना आप लोग को बताऊँगी ज़रूर, पर मैं सोच रही हूँ वीडियो को यहीं पर ख़त्म करूँ, हवा भी चल रही बाहर, तो ठीक है मैं इसकी कटिंग बताऊंगी ज़रूर, मैं फ्री टाइम में रहूँगी तभी इसका सूट करूँगी काटने का। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।